पिछले साल टिहरी के डोबरा चांटी में देश के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन हुआ, लेकिन आज एक साल के बाद पुल के दोनों तरफ की सड़कें बिखरने लगी हैं। दरअसल सड़क की पोल तो उद्घाटन के 10 दिन के बाद ही खुल गई थी। 10 दिन के बाद ही सड़क का डामरीकरण उखड़ने लगा था, लेकिन एक साल में सड़क ही धंसने लग गई है। सड़क पर बनाए गए नारदाने भी टूट गए हैं और चिंता की बात यह है कि सड़क से आज भी हर दिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहन जान जोखिम में डालकर चलते हैं, जो कि बड़े हादसे को दावत दे रहा है। यहां तक कि अब तक इस खस्ता हाल सड़क से कई छोटे बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। मगर ये जो इसके सड़क जो है, सड़क जो डोबरा चांटी पुल से और यहां जो चांटी की तरफ जो आ रहा है, तो सारी ये डामरीकरण जो है सारी उखड़ चुकी है, जो कि इसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। और आज जो है इस सड़क के बगैर, मतलब आज सड़क जो है जगह जगह धसी पड़ी है। इसलिए यह है कि इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक ध्यान दे सरकार दे हो या शासन प्रशासन कोई भी, मतलब ना इसके ओर ध्यान दे, नहीं तो यह कुछ दिनों बाद कोई ना कोई हादसा होने वाला है। पिछली बार जो है यहाँ पर सियासों के बगल में झील के किनारे सड़क से जो है हमारे एक कार वहाँ से गिर गई, और अगर क्रस बैरियर होते संभवतः वो बच जाते, लेकिन इन सब घटनाओं को देखते बीच में बीच इस तरह की घटनाएं होती रहती, लेकिन सरकार और प्रशासन जाग नहीं रहे और इस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से क्रॉस वे सड़कों के किनारे नहीं लगाए जा रहे हैं। और इस सड़क का तुरंत पुल से लेकर और मोड़ना तक जो इसका सुधारीकरण, डामरीकरण और कटिंग होना अत्यंत आवश्यक क्रॉस बैरियर के साथ। डोबरा चांटी पुल के उद्घाटन के बाद तुरंत सड़क का घटिया डामरीकरण और सड़क के धंसने के कारण सड़क निर्माण कंपनी हिलव्यू पर कई आरोप लग रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घटिया काम करने वाली हिलव्यू कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन ने कंपनी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, अगर जल्द ही सड़क को ठीक नहीं किया गया तो उनके द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त सभी सज्जन लोग मिलके या मतलब जनप्रतिनिधि सभी लोगों का सहयोग से हम कुछ ना कुछ आगे इसका सहयोग करेंगे कुछ, और तब जाके हम कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेंगे ताकि इसका डामरीकरण सही ढंग से हो सके। उन्होंने तो अपना बिगुल बजा दिया, अपना पेमेंट ले लिया, मगर सड़क जस के तस है, इसमें कोई का काम बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं हुआ। ये बहुत विडम्बना है, बड़ी श्रम की बात है। हमने पुल निर्माण से पहले ही जिला प्रशासन से लेके संबंधित विभाग से निवेदन किया था कि पुल निर्माण से पहले आप जो डोबरा से लेकर और मोशना तक जो सड़क है, ये ग्रामीण सड़क है और सिंगल रोड सड़क है, इसकी कटिंग करके, इसके डामरीकरण करके, इसमें क्रॉस बैरियर लगा के इसको ठीक करिए। लेकिन हमारी बातों को अनसुना कर केवल इसमें जो है मिट्टी डाल के गड्ढे भरने का काम किया गया। लेकिन आज की जो हालत है यहाँ पर बहुत खतरनाक है। इस सड़क में झील के किनारे की सड़क है, यहाँ कहीं ना क्रॉस बैरियर बने हुए हैं, गड्ढे भी जगह जगह है, धूल भी है, सिंगल रूट सड़क है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ किसी भी समय अप्रिय घटना होने की संभावना है। खस्ताहाल सड़क को लेकर अब प्रशासन का कहना है कि सड़क क्षमता से ज्यादा वाहनों का भार झेल रही है। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क एमडीआर के अंतर्गत आने के बाद ही इस पर वाहनों की अधिक क्षमता झेलने लायक काम हो पाएगा। एक्चुअली ये ग्रामीण सड़क पीएमजीएसवाई के अंडर में है, लेकिन जब डोबरा चांटी पुल जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहां से प्रतिदिन 700 से 800 व्हीकल जा रहे हैं। जो पीएमजीएसवाई की रोड है वो 60 से 70 व्हीकल के लिए डिजाइंड है, और इसमें चौड़ाई भी 6 मीटर ही होती है जो कि पीएमजीएसवाई के मानकों में है। लेकिन जितना इसमें व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, इसको एमडीआर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो एक्सीडेंटल के केसेस ना हो, जिसके लिए तो कुछ पैसा था हमारे पास जिससे हमने दीवारों का पुनर्निर्माण कराया, बाकी क्रैश बैरियर वगैरह के लिए हमने टीएचडीसी को 30 लाख का एस्टिमेट भेजा हुआ है, और वहाँ से हमको धनावंटन नहीं हुआ है। जैसे ही वहाँ से धनावंटन होता है, हम क्रैश बैरियर का काम कराएंगे। डोबरा चांटी पुल को पर्यटन स्थल और पुरानी टिहरी की तर्ज पर रोजगार का केंद्र बनाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन सड़क की स्थिति को देखकर ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता। एक तरफ प्रशासन पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है, तो सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार, क्योंकि आए दिन पुल निर्माण के बाद सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है और जानकारी होने के बावजूद भी इसको लेकर कोई योजना नहीं बन पाई। संवाद 365 के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।